हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आज इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया की सबसे सस्ती गाड़ी अगर आपको चाहिए सिटी के हिसाब से, तो वो वन एंड ओनली यही हो सकती है, जिसका नाम है भाई टियागो डॉट ईवी करके टाटा इसको बुलाता है। भाई सबसे सस्ती मैं इसको क्यों बुला रहा हूँ, एक एमजी की कॉमेट भी आती है, वो इससे लिटिल लिटिल सस्ती है, 1-2 लाख रुपये। लेकिन भाई वो गाड़ी सी नहीं लगती, वो थोड़ा लिटिल लिटिल ऐसा जरूर लगता है, मतलब एक डिब्बा सा बंद लगता है भाई। लेकिन एक परफेक्ट गाड़ी सी चाहिए ना, तो आपको फिर मेरे ख्याल से ये गाड़ी खूब बढ़िया जमेगी, जिसका नाम है टियागो। अगर आपका बजट अलाउ करता है आपको 12-13 लाख रुपए तक जाने के लिए, तो 13 लाख रुपए में आप ये गाड़ी पिक कर सकते हो, जिसका नाम है टियागो। अब इसमें भी आप कहोगे कि 13 लाख रुपए में हम ऐसी गाड़ी लेंगे टियागो जैसी, 13 लाख रुपए में हम कोई किया सेल्टो जैसी एक एसयूवी ले कहेंगे। भाई डटे रहो, मैं आपको सारे फायदे बताने वाला हूँ कि आपको फायदे नुकसान होंगे दोनों के साथ ही। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये टॉप वेरिएंट है, XZ प्लस टॉप वेरिएंट है इसका। इसके अंदर भी कई वेरिएंट्स आते हैं, स्टार्टिंग XE से होती है, फिर XT आती है। अगर आपको मीडियम रेंज में छोटी रेंज वाली चाहिए, जिसके अंदर 250 किलोमीटर की कंपनी क्लेम करती है, वो भी आपको 10 लाख रुपए तक की पड़ जाएगी भाई, नाना करते हुए भी, लेकिन उसकी रेंज थोड़ी कम आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो 24 किलोमीटर पर आवर की भी आपको बैटरी बैक मिल जाता है, जो इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। तो टाटा सबके लिए कुछ ना कुछ ऑफर कर ही देती है भाई। तो दो वेरिएंट तो वो हो गए XC, XT, जिनको मीडियम रेंज वाली चाहिए। अगर आपको ज्यादा रेंज चाहिए, आपको चाहिए करीबन भाई मेरी गाड़ी रियल लाइफ में 250 किलोमीटर तो चलेगी, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कंपनी इसकी 315 किलोमीटर इस वाली में क्लेम करती है। अब इसके अंदर कितने वेरिएंट आते हैं भाई, इसके अंदर आता है XT अगेन आपका, फिर XZ प्लस आता है, फिर XZ प्लस टेक लग्जरी आता है, जो ये टेक लग्जरी है टॉप वेरिएंट है इसका। अब इसमें भी कई सारी चीजें हैं भाई, ऊपर के टॉप वेरिएंट बताए हैं XZ प्लस और XZ प्लस टेक लग्जरी, उसमें दो ऑप्शन अगेन आपको मिल जाते हैं, आपको फास्ट चार्जर चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अगर आपको भाई फास्ट चार्जर भी नहीं चाहिए, तो वो भी हमको बता दो, 50,000 रुपए उसके माइनस हो जाएंगे। जैसे और क्लियर करने के लिए आपको एक चीज बता दूं, जैसे भाई आपने देखा होगा कोई भी नॉर्मल एक इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी, आपको उसके साथ इस तरीके का एक चार्जर मिलता है, नॉर्मल जो हम अपने घर में जो कोई भी प्लग व्लग होता है, गीजर का, एसी का, जो बड़ा वाला होता है। लेकिन ये टाइम ज्यादा लेगा, करीबन 9 घंटे के लगभग आपकी गाड़ी को पूरा चार्ज करने मिलेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा रहता है कि भाई मुझे तो फास्ट चार्जर ही चाहिए, तो एक 7.2 किलोवाट पर आवर का चार्जर लगाते हैं आपके घर पे, जिसको बोलते हैं फास्ट चार्जर, उसका 50,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो वो भी इन्होंने एक वेरिएंट डिसाइड कर दिया कि आपको वो वाला वेरिएंट चाहिए या फिर ये नॉर्मल वाला वेरिएंट चाहिए, वो वाला सिस्टम इन्होंने कर रखा है। तो आज हमारे पास सबसे टॉप वेरिएंट है, जिसकी कीमत आपको पड़ेगी भाई कम से कम भी तेज मारो थोड़ा, जिसकी कीमत पड़ती है भाई आपको 13 लाख रुपए ऑन रोड। जी भाई, आप इसको ध्यान में रखें, इसका एक शोरूम प्राइस आपको पड़ता है 12-10-12-20 के लगभग पड़ता है। कोई इसका इंश्योरेंस तो प्रॉपर वही वाला होता है जो नॉर्मल गाड़ियों का होता है, बस आपको जो सेविंग मिलती है, एक तो रजिस्ट्रेशन फ्री है भाई, दिल्ली में आप सब्सिडी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे नहीं मिलती है, थोड़ा GST आपको कम मिलता है, सब्सिडी पहले मिला करती थी दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, पर अभी गवर्नमेंट नहीं दे रही है। स्टार्टिंग में सिर्फ 1 लाख लोगों को दी थी, जो खरीद गए उस टाइम पे वो आज मौज ले रहे हैं भाई। उस टाइम पे लोगों को लगा कि ईवी का अभी वो नहीं है, फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है। चलो ये सब चीजें अलग हो गई भाई, गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। मेन टॉप वेरिएंट अगर आप टियागो का लेना चाहते हो डो टीवी का, तो मेन आपको क्या क्या मिलेगा, लेट्स गो। तो भाई इसके अंदर मिलते कुछ इस तरीके की जो टाटा की हर गाड़ी में हमको देखने मिलती है। अभी मैंने आपको हेलियर सफारी दिखाई थी, उसमें भी अब नई फेस लिफ्ट में सेम चाबी आ रही है इनके पास, यही एक आती है भाई जिसमें लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। इसको दबा के रखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो लाइट्स है वो भी ऑन हो जाती है, लेकिन अभी इग्निशन ऑन है तो इसलिए हो नहीं रही है। बाकी हमारी जो ये टेल गेट है, इसको हम अनलॉक कर सकते हैं, मतलब इसमें ऑटोमेटिकली रिलीज नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक नहीं आता। यहाँ पे इसके अंदर भाई हेलोजन लाइट्स मिलेंगी, दोनों हाई बीम लो बीम में हेलोजन मिलते हैं, यानी कि पीली लाइट मिलती है, और यहाँ पे फॉग लाइट्स भी इसके अंदर हेलोजन ही यहाँ पे देखने मिलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी में तो कंपनी खुद से एलईडी देनी चाहिए, इनकी ही गाड़ी में अपनी जो बैटरी है वो बचेगी यार, ये तो थोड़ी सी कॉमन सेंस लिटिल लिटिल लगा ही सकते हैं, पर कॉस्ट कटिंग कहीं ना कहीं इनको करनी है। और ये टाटा वाले इतनी तेज है भाई, अगर इनके आप ऐड देखोगे ना इस गाड़ी की कभी, उसमें एलईडी दिखा रखी है, ये इतने होशियार रहते हैं, लेकिन देखते रियल लाइफ में ये, इनके ऊपर स्कैम का तो थोड़ा सा आरोप लगना चाहिए, पर कौन ही फालतू झंझट पाले भाई, इतनी बड़ी कंपनी है, लोग कहते हैं अरे छोड़ ना हम बदलवा लेंगे, 4-5 हज़ार रुपये में कुछ नहीं हो रहा, या फिर paymofcars.com से हम खुद घर बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, अपना वो लगवा लेंगे, जो बहुत से लोग करते भी हैं भाई। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम है, यहाँ पे टोइंग हुक दे रखे इलेक्ट्रिक व्हीकल को, तो कौन ही कहीं फंसाएगा भाई। यहाँ पे डॉट ईवी, ये इससे पता चल जाता है कि यहाँ भाई ये इलेक्ट्रिक गाड़ी आपकी आ रही है। साइड से बात करते हो तो इसमें लगता है कि अलॉय व्हील से डाल रखे हों, लेकिन यहाँ पे टाटा ने यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग कर रखी है, टॉप वेरिएंट में भी यहाँ पे अलॉय व्हील नहीं देती है। 175/65R 14 इंच के आपको ये मिलेंगे स्टील रिम्स, बस ये ऊपर से कवर सा लगा रखा है भाई, ये देखो 4 नट वाले डॉट ईवी की बैजिंग हमको यहाँ पे मिल रही है। साइड से बिल्कुल नॉर्मल ऐसी लगेगी भाई कि नॉर्मल वाली ही गाड़ी है, कहीं से इलेक्ट्रिक वाली नहीं लगेगी। अगर इस बैज को कोई हटा दे तो पता नहीं चलेगा, साइड से मैं बात कर रहा हूँ, आगे से जब भी वो नीला वाला एलिमेंट है। एक और चीज़ है भाई इसमें ना, आपको टॉप ब्रांड में डुअल टोन ही एलिमेंट मिलेगा, मतलब ब्लैक रूफ मिलेगी, नीचे गाड़ी जो भी आप कलर लेते हो वो आपको मिल जाता है, एक नीला सा आता है इनका, उस
उसको ये बड़ा जोड़ देते हैं उसको बेचने के लिए। पीछे से कुछ इस तरीके से नजर आती है, यहाँ पे भी टियागो डॉट ईवी करके हर चीज में ईवी वाला तो नीला नीला लिख रखा है, वाइपर है, डिफोगर है और वोकल फोर लोकल का स्टिकर लगा रखा है, टेल लाइट वगैरह हो गई। नॉर्मल गाड़ी लगती है 13 लाख रुपए। आप बताइए आपको लग रहे हैं कि मतलब अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल आम आदमी से पूछू ना 13 लाख रुपए की गाड़ी, तो वो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि यार 13 लाख रुपए में तो क्या से क्या आ जाता। मतलब जो रूरल एरिया में लोगों की थिंकिंग रहती है ना, मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, मतलब डिजायर आ जाएंगी दो तो भाई इसमें सोच के देखो, ये तो डिजायर जो भी छोटी गाड़ी है, पर वो है वो ये नहीं जानते कि कितना सुख देती है इलेक्ट्रिक गाड़ी। उसमें आप बार बार तेल भरवाओगे, 1000 रुपए के तेल में कितनी गाड़ी चल जाएगी आपकी 100 किलोमीटर, इसके अंदर 100 रुपए की आप चार्ज करोगे आपकी गाड़ी चलेगी 250 किलोमीटर, सोच के देखो कितना फायदा है। तो जिनकी रनिंग ज्यादा है ना उनके लिए तो भाई ये ना सोना है, खरा सोना। 50 लाख गाड़ियां इनकी बिक गई हैं, कांग्रेचुलेशंस टू टाटा। और वेटिंग बहुत है पर इस गाड़ी पे, टॉप ब्रांड तो मिल जाता है हाथों हाथ क्योंकि उसमें इतना ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा लोग खरीदते नहीं 13 लाख रुपए में, तो फिर थोड़े और मिला के अपना नेक्सॉन ईवी वगैरह ले सकते हैं। इसकी में एक और फीचर छुपा हुआ है भाई, जो ये आप टैग सा देख रहे हो ना, इसको नॉर्मल कोई टैग में समझना जैसे वो की चेन वगैरह होता है, ना 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 ना, जैसे आप 7.2 kW/h का जो बैटरी पैक है, जो चार्जर अपने घर पे लगवाते हो ना, उसके बाद जैसे आपने गाड़ी वो लगा दी चार्ज पे, उसके बाद ये आपको उसमें टैप करना पड़ता है, तभी जाके आपकी गाड़ी स्पेसिफिकली के लिए उसको लगा रहता है ना। तो जब तक ये टैग सा उसमें टच नहीं करोगे ना, तब तक गाड़ी की चार्जिंग स्टार्ट नहीं होती। तो ये आपकी गाड़ी में होना जरूरी है अगर आपको गाड़ी घर पे भी चार्ज करनी है, या तो वो छोटे वाले से कर लो, लेकिन अगर बड़े वाले से करने हैं तो ये लगा रहना जरूरी है। अच्छा, चियाबी में कीलेस एंट्री मिलती है, टॉप ब्रांड है तो ऑब्वियसली बात है भाई वो आपको मिलेगी। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह दे रखा है, यहाँ पे भी है, डिग्गी पे भी है भाई, पीछे की साइड अगर आपको खोलनी है डिग्गी तो ऐसे प्रेस कर दो इसको और ये खुल जाएगा बड़ा आराम से, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चार्जर वगैरह पे भी आऊंगा, कितना कुछ चार्ज लगेगा उसमें दिक्कत थोड़ी सी ये है भाई, ये जोर से मारना पड़ता है तब जाके ये अपने प्रॉपरली बंद हो पाता है। अब अंदर चलो, अब गाड़ी के अंदर आप मजा देखना कि कहाँ पे मेन आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले ये सीट्स देखिए आपको, लेदर की सीट्स टॉप ब्रांड में कंपनी से ही यहाँ पे ऑफर की जाएंगी। यहाँ पे आप 4 पावर विंडो देख रहे हो, केवल आपको ये जो ड्राइवर साइड है 1 टच मिल रही है, बाकी बोतल वोटल रखने की जगह नहीं है। यहाँ पे केवल 0.5 लीटर तक ही आप बोतल अपनी रख सकते हो। स्पीकर्स वगैरह कंपनी से ही आएंगे टॉप ब्रांड में, और ये ORVM एडजस्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है। गाड़ी के अंदर जैसे हम बैठते हैं तो आप गाड़ी की फील देखिए, यहीं से आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी जैसी फील यहाँ पे आने लग जाएगी। अब इन्होंने नेक्सॉन ईवी वगैरह का तो पूरा इंटरफेस चेंज कर दिया है अंदर से, वो पूरी एकदम नई सी लगती है फेसलिफ्ट वाली, पर अभी इन गाड़ियों में ये हो गई, टिगोर हो गई, इनमें फेसलिफ्ट आने में भी बाकी है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल गाड़ी में आपको मिलेगा, यहाँ पे अपना स्टेयरिंग कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल मिल रहे हैं अपने पूरे स्टीरियो को लेके। मेन चीज ईवी में आती है जो, वो ये है भाई, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले कितनी परसेंट चार्ज है, क्या रेंज है गाड़ी की, कितनी गाड़ी चल रखी है आपकी, ये चेंज करनी है अगर डिफरेंट ये पूरा तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इस ईवी के अंदर। टेम्परेचर भी बताती है गाड़ी, यहाँ पे बताती है भाई कितनी इसमें फ्यूल बाकी है, सॉरी फ्यूल नहीं, वो जो चार्जिंग होती है, सॉरी वो वाली चीज हमें बताती है। और इसके अंदर एक और चीज है भाई, ये देखिए आप रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसको बोलते हैं। अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग वगैरह क्या होती है भाई, आप गाड़ी को चला रहे हो, गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक लेके चार्ज होने की कोशिश करती है अपने आप। अब उसका लेवल आप कितना चाहते हो, इसका क्या मतलब है, जैसे आपकी गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड पे, आपने रेस का पंजा छोड़ दिया भाई, ये पंजा आपने छोड़ दिया अपना एक्सीलेटर, अपने आप गाड़ी जल्दी से अगर अपने आप रुकेगी ब्रेक लेके तो आपकी बैटरी ज्यादा चार्ज होगी। अगर वो देर से रुक रही है, अपने लेवल 1 पे कर रखा है, तो थोड़ी सी वो चार्ज ज्यादा खाएगी। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हमेशा आप एक बार ध्यान रखना, इनकी ब्रेक पैड बहुत कम घिसती है। दूसरी चीज, ट्रैफिक में ज्यादा रेंज मिलेगी, जितना आप हाईवे पे चलाओगे तब कम रेंज मिलेगी। हमेशा आप किसी से भी पूछ लेना, यही सिस्टम रहता है। यहाँ से जो रीजनरेशन का लेवल है उसको हम चेंज कर सकते हो, ये वाला जो बटन दे रखा है इन्होंने, ये जैसे मैं प्रेस करूंगा तो ये 3 पे हो गई। अब मैं इसको कम करनी है तो मैं इस वाले बटन से इसको कम भी कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए रीजनरेशन की कितनी ब्रेक चाहते हो मेन, आप वो वाला हिसाब किताब यहाँ से रहता है। और एक चीज हो रहा है ईवीज में, कभी आपने इस तरीके से सोचा है भाई कि मान लो आपने पब्लिक प्लेस पे कहीं पे जैसे रेस्टोरेंट वगैरह के बाहर फूड स्ट्रीट्स वगैरह होती है, वहाँ पे चार्जिंग कहीं पे लगा दी, होता क्या है कि आप चार्जिंग लगा के गाड़ी को लॉक करके भीतर चले गए, आपने वहाँ पे पैसे वैसे भी दे दिया, क्योंकि भाई आजकल फ्री नहीं है हर जगह, आपको 400-500 रुपए अगर फुल चार्ज करनी है आपकी गाड़ी पे करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐप वेप इनका आता है टाटा वाटा का खुद का। तो मान लो आपने गाड़ी चार्ज पे लगा दी, कोई होशियार बंदा आया, वो चार्जर वो गंसी तो होती है वो ऐसे निकाल दी, तो कहाँ जाओगे आप, अपनी गाड़ी में लगा ली है ना, मतलब सोचने वाली चीज। इसमें इस तरीके से आपने सोचा है, उसका जुगाड़ पता क्या होता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, ऐसे तो कोई भी आपकी कोई हेटर रहा, कोई बच्चे बच्चे ने हटा के फेंक दी वो कि मैं नहीं होने दूंगा इसके गाड़ी का चार्ज, तो उसका एक सिस्टम ये रहता है भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियों में कि यहाँ पे एक बटन दिया होता है ये वाला, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक। जब भी आप गाड़ी को अपनी इलेक्ट्रिक को चार्ज पे लगाओगे तो उसमें लॉक लग जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑटोमेटिकली। आपने एक बार वो लगा दी, चार्ज होने लगी गाड़ी, कोई नहीं हटा सकता उसको, फिर मतलब आराम से हटेगी नहीं। अब आप गाड़ी को क्यों खींचोगे या अजीज भी बुला के लगाओगे तो वो हट ही जाएगा ऑब्वियसली, पर जैसे गाड़ी आपकी चार्ज हो गई आपको तब चार्जर हटाना है,
तो फिर आपको ये बटन दबाना पड़ता है, तब जाके आप जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक लॉक है वो गाड़ी फिर उसको छोड़ती है कि भाई तू अब निकल जा, तब जाके आप ले सकते हो, वरना तो ऐसे पब्लिक प्लेस पे कोई भी आपकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ कर देगा। तो अब जो हमने आगे से बटन दबाया, इसके बाद भी इसमें 30 सेकंड लगते हैं भाई इसको रिलीज करने में, वाली जो ये है इस तरीके से हटती है, वरना ये एक बार आपने चार्ज ऑन कर दी फिर लगी रह जाएगी, फिर इसको नहीं हटा सकता कोई भी जब तक वो बटन अंदर से नहीं दबेगा। आराम से ओनर रिलैक्स रह सकता है कि मेरी गाड़ी को कोई नहीं छेड़ सकता है जब तक ये गन उसके अंदर लगी हुई है, ना लेके भाग सकते हो ऑब्वियस सी बात है, या तो उसको यही काटना पड़ेगा या फिर वो मशीन सी गिरानी पड़ेगी अगर लेके भी भाग नहीं आता। बाकी ये लॉक कर सकते हो गाड़ी को, ये डिग्गी खोलने का बटन हो गया। तो मैन्युफैक्चरर जो बहुत स्मार्ट है, बहुत चीज़ों को लेके दिमाग में चलते हैं जो हमारे दिमाग में आता भी नहीं है, वो इनको एडवांस में पता रहता है। इसमें ऑटोमेटिक हमको मिलते हैं भाई यहाँ पे हेडलाइट्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स मिलते हैं, और स्टेयरिंग की बात करोगे तो इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं हम, केवल आगे पीछे करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ यहाँ पे ऑटो कर दोगे, अपने आप फैन स्पीड वगैरह बढ़ जाएगी। यार खड़ी गाड़ी में क्या मजा आ रहा है यार, आपको मैं बता दूं एक बात, इसकी कंपनी कहती है 315 किलोमीटर की रेंज, ये 250 और 200 तो मरी से मरी चलती है, किसी भी मोड फोड़ पे आप चला लो इसको, स्पोर्ट्स मोड पे भी 200 के लगभग चली जाती है। आपको एक घंटे अगर खड़ी करनी है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2% चार्जिंग घटेगी इसके अंदर। तो मतलब जैसे जो लोग यहाँ पे जैसे गाड़ी खड़ी करके रात शाम के टाइम अपना माहौल वाहौल बनाते हैं, उनके लिए भाई ईवी से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। एक बार घर से चार्ज करके ले आए, मस्त एसी में बैठ के चिल करो, फन करो, कोई रोकने टोकने वाला है ही नहीं। ये आपको मिलता है एक 12 वोल्ट का सॉकेट, अपना एक यूएसबी पोर्ट मिलता है एप्पल कारप्ले चलाने के लिए, यहाँ कुछ सामान आप अपने रख सकते हो। इसका इलेक्ट्रिक मोड हो गए, ये डी पे डल जाती है इस तरीके से, स्पोर्ट पे डल गई, मैंने ज्यादा घुमा दिया, ये डी पे डल गई है, यहाँ पे बता देता है अब डी पे डल गई, हैंड ब्रेक नीचे करूंगा, ब्रेक पेडल छोड़ूंगा, गाड़ी चलने लग जाएगी। इतना इजी इलेक्ट्रिक स्कूटी आपने चलाई होगी, कुछ ना चलाया तो इलेक्ट्रिक बिल्कुल ऐसी चलती है, गाड़ियों का पता ही नहीं चलता, यहाँ पे रेडी टू ड्राइव लिख के आ गया है, बस उड़ाए जाओ वाला सिस्टम है। आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा भाई, टाटा टियागो टॉप ब्रांड में भी आर्मरेस्ट नहीं आता, ये आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा, इसमें लिटरली सी ये दिक्कत है। बाकी यहाँ पे मिलता है इसका ग्लव बॉक्स, यहाँ पे आप अपना बाकी का सामान रख सकते हो। एक चीज आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दूं भाई, चाहे आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी ही क्यों ना आए, अगर आपको स्पेयर पार्ट चाहिए ना, चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ी के, आईसी गाड़ी के, डिजायर के या फिर टियागो के, ओनली मिलते हैं boodmo.com पे, वहाँ पे जाइए अपनी गाड़ी की डिटेल भर दीजिए, boodmo.com पे आपको हर गाड़ी के स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं, आपके घर बैठे बैठे आपको डिलीवर कर दिए जाते हैं बिना किसी टेंशन के। आगे से कभी भी चाहिए हो तो लोग ऑन boodmo.com और एंजॉय करिए। बाकी यहाँ पे आप बात करोगे तो आपको एक मिरर भी मिल रहा है, यहाँ पे आप बात करोगे तो मैनुअल IRVM आएगा इसका, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे माइक वगैरह आ रहे हैं, यहाँ पे हमको व्हाइट लाइट मिल जाती है इनसाइड केबिन के अंदर। यार इसका एसी तो ऐसे है, अब ना कितनी देर बैठे रहो, मजे वाली चीज है, गिरती नहीं है, चलने में ज्यादा बैटरी खाती है लेकिन वैसे कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। 50 लाख गाड़ी बेच चुके हैं, वाह बहुत खुशी की बात है। ये देखिए ये पूरा इंटीरियर कुछ इस तरीके का मिलता है इसका टियागो का। भाई ये गाड़ी उनके लिए बहुत अच्छी है जिनकी 200 किलोमीटर पर डे की रनिंग है ना, बहुत बेस्ट है यार। कहाँ तक तेल फूकोगे, 200 किलोमीटर बार बार डलवा के इतना महंगा हो रहा है, एक बार ये ले ली और फिर अपना चलते बने। ये थोड़े से छोटे इसके नेक रेस्ट कुछ ज्यादा ही छोटे से नजर आते हैं भाई, आर्म रेस्ट वगैरह इसमें नहीं मिलेगा, पावर सेल्टर पीछे साइड मिल रही है हमको, ये इसका ग्रैब हैंडल मिल रहा है, हालांकि आगे एक साइड केवल आधे लीटर की हम बोतल रख सकते हैं लेकिन पीछे प्रॉपर यहाँ पे 1 लीटर की उन्होंने मार्क भी कर रखा है, 1 लीटर की बोतल आराम से इसके अंदर ऐसे आ जाएगी। स्पीकर्स काफी अच्छे हैं इस गाड़ी के, नो डाउट उसमें सुनने में मजा आता है। चलो मेजर सवाल आता है भाई, चार्ज कैसे करेंगे इसके अंदर? कुछ नहीं भाई, कभी पेट्रोल डीजल जैसे आपने डलवाया ना तो इसके अंदर भी वही सेम स्कीम है, ये वाला यहाँ से हटा दो। आजकल तो गाड़ियों में बड़ी एडवांस हो गई है, डायरेक्ट वो अनलॉक करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर आपका खुल जाएगा सिमसिम, यहाँ पे आप अपना फास्ट चार्जर ये वाला जो प्लग है घर में लगा दो, खूब अच्छी वायर दे रखी है, ये भी अच्छी चीज है। मैंने देखा है भाई जो ईवी ओनर्स होते हैं वो अपने साथ वैसे एक्सटेंडिंग वो केबल्स ही लेके चलते हैं, गाड़ी चार्ज हो रही है नहीं हो रही और कितना कुछ स्पेक्स वगैरह यहाँ पे पूरी बताती रहती है। बाकी भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ क्या सीन है ना, अभी फिलहाल इसमें स्टेपनी वगैरह नहीं देते हैं क्योंकि जो 7 सीटर वगैरह होती है उनमें तो नीचे यहाँ पे लटका के दे देते हैं, बट इनमें क्या होता है ना, यहाँ नीचे डिग्गी की जगह पे ये लोग बैटरी लगा देते हैं, पूरा बैटरी पैक इसके अंदर लगा हुआ है, ये दिखता नहीं है क्योंकि नट वगैरह से यहाँ पे कस रखा है। तो जितना इसका 24 kWh की बैटरी पैक है ना वो सारा इसी के नीचे आपको मिलेगा, तो स्टेपनी के नाम पे आपको कुछ भी नहीं देते हैं वो टायर, क्योंकि यार जगह नहीं है ना रखने के लिए। तो आपको इस तरीके से टाटा की तरफ से टायर मोबिलिटी किट मिलती है, इसमें एक तरीके का सीलेंट सा होता है, मान लो टायर पंचर हो गया इसे आप कांटे वाले एरिया में आए तो ये इसमें डाल के इस मशीन सी में आप आराम से उसको भर दीजिए, उसके बाद सीलेंट सा लग जाता है एक तरीके से, मतलब टेम्परेरी सा काम हो जाता है जब तक आप नहीं पहुंचते। तो इन्होंने इस चीज़ का भी जुगाड़ निकाल लिया, इसमें डाल के ऐसा भर दोगे ना उसमें 12 वोल्ट के सॉकेट में लगा के आप ना मस्त थोड़ा बहुत ट्रैवल कर सकते हो जब तक आप पंचर वाले के पास नहीं पहुंच सकते हो। अब जो बैटरी है ये तो चलो अपना चार्ज दे रही है लेकिन इसको खींच कौन रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका बोनट खोल के
वो यहाँ पे ऐसे आप अनलॉक करोगे इसके बोनट को तो हमको दिखती है भाई इसकी बैटरी जो निकालते हैं करीबन 75 BHP का लगभग 114 Nm का टॉर्क IP67 रेटिंग के साथ आता है, यानी कि पानी वानी में भी चले जाए, पानी में कोई दिक्कत वाली बात इसको होगी नहीं। ये वेरिएंट है भाई इसका, देख लो XZ+ टैग। और इसकी एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा इस बैटरी की, भाई कभी आपको लग रहा हो ना हल्की मुल्की मतलब बैटरी क्या ही पावर वावर देती होगी क्या चलती होगी, भाई आप मानोगे नहीं ये गाड़ी 5.7 सेकंड्स में आपकी 0 to 60 km/h टच कर लेती है। प्रैक्टिकलिटी देखो यहाँ पे, अगर आपको ये पैसेंजर साइड भी कुछ टाकना है तो उसके लिए यहाँ पे हुक दे रखा है, छोटा मोटा सामान आप यहाँ पे भी आराम से अपने टाक सकते हो। बाकी और मेन फीचर्स की बात करते हैं तो भाई इसके अंदर 8 स्पीकर सिस्टम हमको देखने मिलते हैं, यानी कि 4 स्पीकर हो गए, 4 ट्विटर हो गए। अब ऐसी इतने तो इसमें सब वूफर वगैरह तो लगाएंगे नहीं, तो 4 स्पीकर 4 ट्विटर हार्मन गार्डन के आपको देखने मिलेंगे। इसके अंदर TPMS का सिस्टम मिल जाता है, यानी कि हवा कितनी टायर में खून कितनी है वो भी हमको यहाँ पे बताता है। इसके अंदर 2 एयरबैग मिलते हैं, ABS-CVT, ये नॉर्मल हमको सेफ्टी फीचर्स भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। प्लस टियागो 4-स्टार रेटेड गाड़ी है, सेफ्टी के मामले में आप आराम से इसके अंदर रिलाई कर सकते हैं। 68% रेंज में 165 किलोमीटर प्रैक्टिकल लाइफ में जो सबसे इनकी टॉप वाली है उसमें इतना रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको कैसी लगी 13 लाख रुपए के हिसाब से, आपके क्या विचार हैं इस गाड़ी के बारे में, टियागो के बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।